अब आपको बताएं, सिंध में कत्ल होने वाली फाइनल ईयर की मेडिकल स्टूडेंट नम्रता के साथ इजहार यकजहती के लिए लाहौर में मकीम सिंध कम्युनिटी और स्टूडेंट्स ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया है। मुजाहरीन नम्रता को इंसाफ दो के नारे बुलंद कर रहे हैं। आपको बताएं, सिंध में कत्ल होने वाली फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट नम्रता के साथ इजहार यकजहती के लिए लाहौर में मुकीम सिंध कम्युनिटी और स्टूडेंट्स ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ये मुजाहरा किया है। उस्मान इलियास से जानेंगे। उस्मान, बताइए क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेडिकल की स्टूडेंट नम्रता के लिए पूरे मुल्क में आवाज़ उठाई जा रही है उसके इंसाफ के लिए। वहीं पर जो सिंध कम्युनिटी लाहौर में है वो भी उसके हक़ में आगे निकली है और उनके लिए इजहारे यकजहती कर रही है। उनका ये कहना है कि नम्रता के लिए इंसाफ मिलना चाहिए और इस हवाले से आज वो बाहर नारेबाजी करें। जी आप बताइए कि इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी आज हम जो इकट्ठे हुए हैं इधर डिफरेंट यूनिवर्सिटी के सिंधी ब्रादर्स, हम जो है ना सॉलिडरिटी शो करवाने के लिए अपने हिंदू ब्रादर्स एंड सिस्टर्स के लिए, और जो निम्रता का मर्डर हुआ है हॉस्टल में, जो मेडिकल की स्टूडेंट थी, ये पांचवा मर्डर है। पहले भी 4 मर्डर हो चुके हैं और उनको इंसाफ नहीं मिला। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ उनके इदारे दुख में साथ खड़े हैं और उन अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि उनको, उनके लवाइकिन को, उनकी फैमिली को जल्द से जल्द मैग्निफिकेंट एंड ट्रांसपेरेंट इंसाफ देना चाहिए। हम इनसे भी जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे और इसलिए क्या अमल होना चाहिए कि जो फेट जस्टिस मिले? देखें जी, ये जो ये बात ये है ना, चीफ जस्टिस को भी लेना चाहिए नोटिस। और उसके अलावा एक वो उसने ना पहले ना अपनी वो फर्स्ट पोजीशन आई है, उसने मिठाई बांटी है और उसमें रिएक्शन ये हुआ है कि वहाँ की वीसी भी एक ना लेडीज़ है, अगर उससे किसी साफ़ी ने कुछ पूछा है तो उस साफ़ी को उसने थप्पड़ मार दिया है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। वीसी को और बिलावल को नोटिस लेना चाहिए। आसफा के नाम से डेंटल कॉलेज है और आसफा भी एक लेडीज है और एक अच्छी स्टूडेंट, हमने ना एक कौम का मुस्तकबिल खराब कर दिया। और आज लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर भी ये बावर करवाने का ये मकसद है कि नम्रता का जो है इंसाफ मिले और उसको जल्द से जल्द जो भी हुकूमती अहदेदारान हैं या हुक्काम हैं वो उस चीज़ का नोटिस लें और जल्द से जल्द जो है इस तरफ जो इंसाफ की जाए, नम्रता को इंसाफ फराहम किया जाए। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। उस्मान इलियास, शुक्रिया आपका।